उदयपुर वाटी में अपने दोस्तों के साथ शाकंभरी पिकनिक मनाने के लिए आए युवक सचिन मीना निवासी जयरामपुरा की बुधवार को मौत हो गई थी। सचिन मीना का बुधवार देर रात्रि को परिजनों ने शव नहीं लिया था। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सुभाष भास्कर निवासी सीकर ने बताया कि हम शाकंभरी पिकनिक मनाने के लिए आए थे और कोट बांध के निकट रेड़ी से पकौड़ी उठाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें स्थानीय लोगों ने सचिन मीना व हम लोगों पर मारपीट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जब वह लोग अपनी गाड़ी लेकर जान बचाने के लिए वहां से भागे तो स्थानीय लोगों ने रास्ते में दूसरी गाड़ी लगाकर पत्थरबाजी की, जिसमें सचिन मीना घायल हो गया था। घायल सचिन मीना को उदयपुर वाटी अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सचिन मीना की मौत की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे। सचिन मीना पर मारपीट करने वाले कुछ युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने सचिन मीना के साथ आए युवकों से जानकारी ली है। सचिन मीना के साथ आए दो युवक भी गंभीर घायल हो गए थे, जिनका सीकर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मीना समाज के लोगों का कहना है कि सचिन की हत्या करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यदि प्रशासन सचिन के मर्डर करने वाले आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई नहीं करेगा तो मीना समाज बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मीना समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, गृह मंत्री को सचिन के मर्डर के बारे में अवगत करवाया है। मीना समाज के लोगों को प्रशासन ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आश्वासन के बाद परिजनों ने शव लिया। इस पूरे मामले की तफ्तीश डिप्टी रामचंद्र मून कर रहे हैं। उदयपुर वाटी के प्रसिद्ध कोट बांध के ऊपर कल सचिन मीना और उनके साथी माँ शाकंभरी के दर्शन करने के लिए आए थे, यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए आए थे। उनके साथ में जो जाति की है, जो जघन्य अपराध किया है, वो घोर निंदनीय है। सारे आम पत्थरों से कुचल कुचल के उसकी हत्या की गई है। दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज बड़ी संख्या के अंदर हमारे विलासा राम की ढाणी के श्रीमाधोपुर निवासी सचिन मीना और उनके परिजनों के साथ बड़ी संख्या के अंदर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ के SHO, पुलिस अधीक्षक, एडिशनल SP सबको हमने पूरा घटनाक्रम बताया है और उनसे हम सब लोगों ने मांग की है कि दोषी लोगों के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, उसके अलावा भी 15-20 अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ दफा 302 के अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और चूंकि मामला SC ST का है, इसलिए धारा 3 के अंदर Act of City के अंदर ये FIR दर्ज कराई गई है, जिसकी अनुसंधान DYSP रामचंद्र जी मूल करेंगे। ऐसे में हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान सही हो। हम किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, हमें किसी प्रकार से किसी से इंटेंशन नहीं है। हम हमारा जो एकमात्र बच्चा था और अपने पिता के इकलौती संतान थी और जिसका राजकीय सेवा के अंदर सिलेक्शन होना चाहा और वो 10 दिन बाद में नौकरी ज्वाइन करने वाला था, ऐसी परिस्थिति में इकलौती पुत्र को इस तरीके से मारना, पूरे श्रीमाधोपुर के अंदर आज शोक की लहर छाई हुई है। लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले और पूरी उदयपुर वाटी में सनसनी फैली हुई है। उदयपुर वाटी बहुत ही धार्मिक पवित्र स्थल है, यहाँ पर इस तरीके की अशांति ये कोई पहली घटना नहीं है। 7 दिन पहले भी घटना हुई है, उससे 10 दिन पहले घटना हुई है और सरेआम पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हुई है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस वालों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ के पुलिस अधीक्षक को, यहाँ के जिला कलेक्टर को यहाँ पर पूर्णतया जाप्ता तैनात करना चाहिए। यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी होनी चाहिए, एक 10-10 की टोलियों के साथ जो लोग आते हैं और मात्र 2 पुलिसकर्मी क्या सुरक्षा कर पाएंगे वहाँ, जब हादसे पे हादसे हो रहे हैं। यहाँ इस कुंड की बात करें, यहाँ पर जलाशय कुंड है और बरसात का महीना चल रहा है। यहाँ का जो कोट बांध है वो राजस्थान में अपने आप में प्रचलित फेमस है, यहाँ का बांध बहुत गहरा है। यहाँ पर साल के अंदर बरसात के महीने के अंदर हर बार घटनाएं हो रही है, इस बार कम से कम 8 हादसे हो चुके हैं और उन 8 हादसों के अंदर प्रशासन चेत जाता तो आज सचिन मौत के घाट नहीं उतरता, आज सचिन नहीं मरता। पता नहीं आगामी समय के अंदर कितने सचिन बेमौत मारे जाएंगे,
और हौसले देखिए इन लोगों के, एक एक जो बाहुबली लोग हैं वो इस तरीके से बच्चों को मारते हैं, पीट पीट के उसकी हत्या की गई है, कितनी बेरहमी से उसको पीटा है, क्या उसके माता पिता नहीं है, क्या उसके परिजन नहीं है, और वो बेचारे उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा है, उनकी पीढ़ियाँ चली गई, उनका वंश खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, बहुत बड़ा दुखदायी घटना है। इसमें ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसको प्रशासन को गहनता से लेना चाहिए और इस जिन जो लोग दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दफा 302 के अंदर वो जेल जाने चाहिए और दोबारा फिर से इस तरीके की कोई घटना नहीं हो। ऐसे में अब जिला प्रशासन को चेत जाना चाहिए, अब और समय नहीं है, और किसी सचिन को मौत की घाट नहीं उतारे करना है। इस मामले में तहसील उदयपुर वाटी में कोर्ट एक ऐसा पवित्र स्थान है, हर आदमी की आस्था जुड़ी होती है, लोग पिकनिक करने के लिए जाते हैं। अब जो घटनाएं हो रही हैं, आज से पिकनिक करने बहुत पहले वर्षों से मतलब परंपरा चली आ रही है, इस तरह की घटना आश्चर्यजनक घटना हुई है। कल वाली घटना बहुत आश्चर्यजनक है, जो है कि इकलौते पुत्र था अपने बाप के, और इतनी कोई गंभीरता नहीं। पुलिस प्रशासन को भविष्य में इस तरह की मतलब संकीर्ण जो अपराध हो रहे हैं उन पर रोकथाम करनी चाहिए। भविष्य में इस तरह की सचिन के साथ जो घटना हुई है, भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, पुलिस और प्रशासन को सक्रिय रहकर इस गंभीरता से लेना चाहिए और कानून व्यवस्था के मद्देनजर पूरे उदयपुर वाटी में अशांति की जो लहर से शोक जो छाया हुआ है, मातम छाया है, उसके लिए गंभीरता से पुलिस प्रशासन भविष्य के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।